ह्यूमन ब्रेन हमेशा वो सब काम करना चाहता है जिस काम में सबसे ज़्यादा मज़ा आए और ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन रिलीज हो, चाहे वो गलत काम हो अच्छा काम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ डोपामिन रिलीज होना चाहिए। और इन सभी के पीछे मेन खेल होता है ना, ये डोपामिन, मतलब डोपामिन ही आपको भगाता है, आपको गलत काम करने में मजबूर कर देता है। आप डोपामिन के लिए ही मास्टरबेशन करते हो, आप डोपामिन के लिए ही पोर्न वॉच करते हो, आप सोशल मीडिया में एक्टिव ज़्यादा रहते हो, आप गलत काम करते हो, वेरियस टाइप ऑफ जो हैप्पीनेस होता है ना, वो ये डोपामिन हार्मोन के लिए ही होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बेसिकली यही बताऊंगा कि डोपामिन एक्चुअली होता क्या है, ये कैसे रिलीज होता है और डोपामिन को डिटॉक्स करना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ मैं आपको इन डिटेल साइंटिफिक वे में इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को एट द एंड तक ज़रूर देखो। सबसे पहले जो डोपामिन होता है ना, ये आपका ह्यूमन ब्रेन रिलीज करता है। आप जो भी काम करते हो जिसमें आपको मज़ा आता है, उस वक्त डोपामिन रिलीज होता है। सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, मान लीजिए आप पॉर्न वॉच करते हो, पॉर्न वॉच करते वक्त आपका ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है और आपको मज़ा आता है। फिर दूसरे दिन आपने पॉर्न वॉच किया, फिर दूसरे दिन जो डोपामिन है उसका मात्रा थोड़ा सा बढ़ गया। ऐसे करके करके दिन ब दिन आपका जो डोपामिन का लत होता है, जो एडिक्शन होता है, वो लग जाता है। और आपका ब्रेन हमेशा चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन आपका ब्रेन से रिलीज हो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आए। इसीलिए आप देखोगे पहले दिन अगर आप थोड़ा सा पॉर्न वॉच करते हो तो सेम फीलिंग्स लेने के लिए आपको दूसरे दिन उससे ज़्यादा पॉर्न वॉच करना होता है, मतलब उससे हार्डर, मतलब समझ रहे हो ना, उससे ज़्यादा, मतलब एडिक्टेड हो जाते हो। और ऐसे करते करते धीरे धीरे आप डिस्ट्रॉयड होने लगते हो, क्योंकि ये सब खेल होता है डोपामिन का और आप चाहे या ना चाहे इससे नहीं छोड़ सकते हो। सेम केस होता है ड्रग्स का पेशेंट के लिए, मतलब जो ड्रग्स लेता है वो जब पहले दिन ड्रग्स लेता है तब उसको खुशी मिलता है, मतलब इतना ज़्यादा खुशी मिलता है, इतना ज़्यादा डोपामिन ब्रेन से रिलीज होता है कि उससे धीरे धीरे ड्रग्स का एडिक्शन हो जाता है। और अगर उसको ड्रग्स नहीं दिया जाता है तो उसका जो ब्रेन होता है ना, वो डोपामिन नहीं रिलीज़ करता है, तब उसको बेचैनी सी होने लगता है, शायद उसका जान भी जा सकता है, ऐसे कंडीशन आ जाता है। इन सभी के पीछे मेनली कारण होता है ना डोपामिन, मतलब डोपामिन जो केमिकल होता है वही आपका जो ब्रेन है उसको भगाता है, वही कंट्रोल करता है आपका इमोशन, आपका हैप्पीनेस। और इसके लिए आप सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हो, आप जब कोई स्क्रॉल करते हो वीडियो, आप जब शॉर्ट वीडियो देखते हो तब आपको मज़ा आता है, और दूसरे दिन आपको फिर वही सेम फीलिंग्स लेने के लिए फिर आपको देखना पड़ता है। और दूसरी तरफ जब आप कुछ अच्छा काम करते हो, जैसे कि हो गया बुक्स रीडिंग, चाहे हो गया आपका गार्डनिंग, कहीं पर भी आपका कुछ काम करना, तो उसमें आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ना डोपामिन का जो मात्रा होगा वो उतना रिलीज़ नहीं होगा जितना आपको पॉर्न वॉच, ड्रग्स लेने से, ये आपका सोशल मीडिया में एक्टिव होने से मिलता है। तो इसीलिए जो ब्रेन होता है वो हमेशा चाहता है जो ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन जिस काम में रिलीज़ हो उसको लेना, मतलब उसको करना, बजाय कि जो काम में मज़ा नहीं आता है, मतलब जिसमें डोपामिन नहीं रिलीज़ होता है उसके। तो डोपामिन को डिटॉक्स करना कैसे है और ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है, तो डोपामिन डिटॉक्स करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसलिए कि जब आप ये सब गलत काम करने में एक्सपर्ट हो जाते हो, जब आपको एडिक्टेड हो जाते हो वो गलत काम करने से, तब आपका ब्रेन हमेशा वो काम करना चाहेगा, चाहे गलत हो अच्छा हो, दैट्स नॉट फैक्टर फॉर योर ब्रेन, मैंने पहले आपको बता दिया। और धीरे धीरे आप गलत राहों में चलने लगते हो, तो ये डोपामिन को डिटॉक्स करना भी आसान ही है। और ये डोपामिन का आप डिटॉक्स इजीली कर सकते हो अगर आपके अंदर वो हिम्मत है, अगर आप रियली करना चाहते हो तब कर सकते हो। तो सिंपल सा आपको कुछ काम करना होगा इसके लिए, मतलब डोपामिन डिटॉक्स के लिए, वो होता है देखिए, जब आपको कोई गलत काम करके मज़ा आता है, जब आप वो गलत काम करना चाहते हो, तब उस वक्त आपको कुछ अच्छा काम करना होगा, मतलब रिप्लेस करना होगा वो सब गलत काम को अच्छे काम के लिए। मतलब मान लीजिए आप जब पॉर्न वॉच करते हो आपको मज़ा आता है, जिस टाइम या जिस पर्टिकुलर टाइम में आप पॉर्न वॉच करते हो उस टाइम आप कुछ बुक रीडिंग कर सकते हो, बाहर आप खेल सकते हो, आप गार्डनिंग कर सकते हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, दैट्स योर वन चॉइस, आपको जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन पॉर्न वॉच उस टाइम पे मत करो। और ये आपको हफ्ते में एक दिन से शुरुआत करना होगा, पहले दिन आप उसे फॉलो करो, दूसरे दिन उसे फॉलो करो, धीरे धीरे है ना पॉर्न वॉच का लत को ख़त्म करते जाओ, मतलब धीरे धीरे ये करना होगा, एक ही दिन में नहीं होगा। अगर आप करने जाओगे ना तो आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, डिप्रेशन आ सकता है, आपका कुछ उल्टा सीधा हो सकता है आपके साथ, तो इसीलिए धीरे धीरे से करो, क्योंकि वो जो आपका एडिक्शन है ना वो एक दिन में नहीं बना है, इसीलिए इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए भी कुछ वक्त लग सकता है। तब धीरे धीरे से काम करते रहो, सेम कंडीशन अप्लाई होता है, वो सब गलत काम जिस सबको मज़ा आता है, डोपामिन रिलीज हो सकता है, उसको आप रिप्लेस करो अच्छे काम में।
आप एक रूटीन बना सकते हो कि आप इस टाइम पे ये काम करोगे, मतलब जो अच्छा काम होता है, जो आपके लिए सही हो, आपके लाइफ के लिए सही है वो करो। ऐसे करके आप धीरे धीरे देखोगे कि आपको जो गलत काम करके मज़ा आता था वो मज़ा आपको अच्छे काम में आने लगेगा। जाहिर सी बात है कि पहले दिन में उतना मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन दैट्स नॉट अ फैक्टर। धीरे धीरे आप करते जाओ, देखोगे आपको अच्छे काम में भी मज़ा आने लग जाएगा, और आपको गलत काम करके जितना मज़ा आता था आपको अच्छा काम में भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये अच्छा काम करने में जब आपको मज़ा आएगा तब आप ज़िंदगी में आगे जाओगे, आपका लाइफ बनेगा, आपका लाइफ और भी बेटर होगा और आप भी बेटर हो जाओगे। नेगेटिव या गलत काम से आप बच जाओगे और आपका काम और आपका लाइफ पूरे तरीके से आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसीलिए आप डोपामिन का डिटॉक्स कर सकते हो कुछ गुड हैबिट्स के जरिए। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले हैप्पी हार्मोन से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करेगा डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 3 types ऑफ हार्मोन के बारे में बात किया था, उसमें डोपामिन हार्मोन भी है। तो इसीलिए आप ये वीडियो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ये वीडियो के बाद में आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा और आप इजीली डोपामिन को डिटॉक्स कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डोपामिन क्या है, कैसे रिलीज होता है, इसको डिटॉक्स कैसे किया जाता है। तो अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग ऑथेंटिक वीडियो आपको सिर्फ इसी चैनल पे ही मिलेगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का 100 notification आपको सबसे पहले मिल पाए। तो अगली बार आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।